जब भी मेरी आवाज पहुंचे मैं हिंदुओं को कुछ बताना चाहता हूं गजवाए हिंद के बारे में। पहले गजवाए हिंद और फिर गजवाए आलम। तो पूरी दुनिया के लोग जरा इसे समझ ले कि गजवाए हिंद अगर हो गया, अगर हो गया, होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर हो गया तो उसके परिणाम क्या होंगे, आपके साथ क्या होगा। देखिए कुरान ये कहती है, इस्लाम का जो सिद्धांत है मौलिक सिद्धांत जिहाद का, वो ये है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा जिहाद चलता रहेगा। इस हिस्से में हमारे जनाब नरसिंह वानी साहब गज़वे हिंद का जिक्र किए हैं कि गज़वे हिंद एक मुसलमान हिंदुस्तान पे हमला करेंगे और अटैक करेंगे और सारे हिंदुओं को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और जिहाद होगा। फिर उसके बाद उन्होंने गज़वे आलम का जिक्र किया है और कहा कि सारे वर्ल्ड के ऊपर जो है मुसलमान अटैक करेंगे और तलवार लेकर हमला कर देंगे। इस तरह से पता नहीं क्या क्या वो बातें किए हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि दो बातें। पहली बात कि गज़वे आलम पूरी दुनिया पर मुसलमान अटैक करेंगे, इस नाम की कोई हदीस, इस नाम का कोई चैप्टर ना कुरान में है ना किसी हदीस में है कि पूरी दुनिया पे अटैक मुसलमान कर देगा और पूरी दुनिया पर जिहाद कर देगा, इस नाम से कोई रिवायत है ही नहीं। अब रही बात ये पता नहीं वो बार बार इसरार से कह रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर, जगह जगह मैं क्लिप में देख रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ अथेंटिक कह रहा हूँ। वो पता नहीं कौन सी किताब उनकी अथेंटिक ऐसी है जो वहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं नरसिंह वानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो वाकई में अथेंटिक किताबें इस्लाम के लें, इस्लाम के कुरान करीम को उठाएँ और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ जो इस्लाम की बड़ी किताबें हैं, बहुत अच्छा होगा कि वो अच्छे इस्लामी इस्कॉलर से अगर कॉन्टैक्ट करें और उनसे अगर सवाल करें कि भाई वाकई में इस्लाम में क्या है, तो वो उसको बताएंगे। अगर आप गरीब से रابطہ करते हैं या एक मैं जैसे तालिब इल्म हूँ इस्लाम का, आपको इस्लाम के बारे में कोई डाउट हो आप सवाल करें। हम हकीकत में जो इस्लामिक बुक्स में हैं, जो रियल इस्लामिक बुक्स में जो लिखा हुआ है वो आप तक पहुँचाने हम अपनी सआदत समझेंगे। ये सर्विस हम देने के लिए तैयार है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं कि एक गज़वे आलम का उन्होंने ज़िक्र किया। गज़वे आलम का सिरे से कुरान और हदीस में ज़िक्र ही नहीं है। ये ऐसी कोई हदीस शरीफ नहीं है जिसमें बताया गया हो कि मुसलमान सारे जहां पर हमला करेंगे। नंबर दो, गज़वे हिंद का जो ज़िक्र कर रहे हैं, हाँ इसकी एक रिवायत है, गज़वे हिंद से मुतालिक एक रिवायत है। मैं आपको वो रिवायत सुना देता हूं पहले कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया है गज़वे हिंद के बारे में। ये अल्फाज है, वादाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी गज़वतिल हिंद, गज़वे हिंद के बारे में हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है यानी बताया है। फ़इनिस्तुशहिदतु कुंतु मिन खैरिश शुहदा, अगर वो जंग में मैं जाऊँ और मैं शहीद हो जाऊँ तो सबसे अच्छे शहीदों में मैं होऊँगा। व इन रजअतु, और अगर मैं वहाँ से जंग जीत कर अगर मैं लौट जाऊँ, फ़अना अबू हुरैरतल मुहर्रर, तो मैं वो अबू हुरैरा होऊँगा जो जहन्नम से आज़ाद हो गया। ये हदीस शरीफ है, इसको इमाम मुसनद अहमद में रिवायत किया गया है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुसनद में ज़िक्र किया है, नकल किया है, और इमाम नसाई ने भी इसको रिवायत किया है। ये जो हदीस शरीफ है मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाई यकसा दोनों सुने, इसके बारे में मैं दो बातें बताता हूँ। नंबर एक, उलमा का एक बड़ा तबका, इस्लामिक स्कॉलर्स का एक बड़ा तबका है जो कहता है कि ये हो चुका है, ये यानी अभी कोई गज़वा हिंद आगे होना नहीं, ये हो चुका है। यानी फ़र्स्ट टाइम जब क्या कहते हैं मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए थे वो आ गए थे और वो इस्लाम को यहाँ जो जिन इलाकों तक इस्लाम नहीं पहुँचा था पहुँचा दिए थे और काम हो गया। नंबर एक, उलमा का ये कहना है कि ये हो चुका है, दिस इज़ अ पास्ट, अब फ्यूचर में कोई गज़वा हिंद अलग से होना नहीं है, उलमा का एक तबका ये है। बाज़ उलमा का ये कहना है कि नहीं, ये नहीं हुआ, ये होने वाला होगा, हो सकता है ये आगे होगा, मगर उसके साथ साथ ये बात जहन में रख लें कि चाहे वो मुसनद अहमद बुक की हदीस हो जी या ये रिवायत नसाई शरीफ की हो, जो दो सोर्सेस मैं बता रहा हूँ, दो मेन सोर्सेस है हदीस शरीफ को जो इस्लाम में बयान किया है, लेकिन ये दोनों सोर्सेस हमारे यहाँ इस्लामी स्कॉलर्स के नज़दीक, मुहद्दिसीन के नज़दीक इसको हदीफ़ ज़ईफ़ कहा जाता। इमाम ज़हबी ने इस हदीस को मुनकर कहा, हदीफ़ ज़ईफ़ मीन्स वीक रिवायत, वीक चेन ऑफ हदीस। ये इस तरह की हदीस इस्लाम में, हमारे हिंदू भाई सुन लें ये बात, कि इस तरह की रिवायत जिसका सोर्स वीक हो
वो हमारे पास कभी भी सबूत नहीं बनती, उसको दलील नहीं बनाया जाता, उसको सबूत नहीं कहा जा सकता। यानी श्योरली ये बात नहीं कही जा सकती है कि ये होगा ही होगा, हाँ रसूलुल्लाह ने ये कहा है। नहीं, हो सकता है रसूलुल्लाह ने कहा होगा, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो सकता ये कहा होगा और हो सकता ये नहीं कहा होगा। सो जो बात डाउटफुल हो, जो हदीस ज़ईफ़ हो, जिसकी चेन खुद वीक हो, जिसको इमाम ज़हबी ने मुनकर लिखा हो, दीगर आइम्मा ने इसको ज़ईफ़ करार दिया हो, उसको इतना मज़मून बनाकर क्यों उछाला जा रहा है? कितनी ऐसी बातें किताबों में आती है जिनको खुद इस्लामिक स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये ज़ईफ़ चीज़ है ये। अब ये अलग बात है क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत सारे लोग के मिजाज में होता है, मुसलमानों में भी कई ऐसे होते हैं जिनके पास लड़ाई झगड़ा मिजाज में होता है, और क्या कहते हैं हिंदू भाई भी ऐसे होते हैं, और हर कौम के अंदर हर कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं उनका मिजाज झगड़ालू होता है, तो वो छोटी सी छोटी बात भी अगर झगड़ने के लिए मिल जाए तो उसको बड़ा मजमून बनाकर झगड़ा करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है, मेरे मोहतरम हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ये सब बात को समझे, ये बिल्कुल उस तरह से है। ये हदीस ज़ईफ़ है, जब हदीस ज़ईफ़ है तो इसको मुद्दा बनाकर, यानी सबूत ही कमज़ोर है, जब सोर्स कमज़ोर है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले हैं या नहीं बोले हैं ये खुद शोर जब नहीं कहा जा सकता है, तो फिर इसको मज़मून बनाकर आपस में लड़ना और बड़े बड़े बातें करना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे नरसिंह वानी साहब हों और दीगर हमारे जो भी हजरात इस तरह की बात समझते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये ग़ज़वे हिंद को बारहा ज़िक्र ना करें, इस्लाम में इसके सोर्सेस काफ़ी कमज़ोर और ज़ईफ़ है।